नमस्कार साथियों, आप सभी साथी को मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथी, आज का चैप्टर, आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके बीएसएससी एग्ज़ाम की नज़र से, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की नज़र से और तमाम आने वाली सक्षमता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का सेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज साइंस के बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का आज क्लास है, जो सभी साथी बिल्कुल अच्छे ढंग से पूरे वीडियो को देखेंगे और आज की सेशन बहुत अच्छी होने वाली है। साथी, आप इसलिए आप लोग की बार बार कहा जाता है कि आप बिल्कुल समय दें, बिल्कुल समय से देखें, जब आज की समय फिर निकल जाएगी, फिर बार बार समय नहीं आती है। वह समय आज किसी भी समय में, ये दुनिया में, ये संसार में समय का एक अपना महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार साथी, जैसे क्या कि वक्त, दोस्त और रिश्ते, वक्त अर्थात समय, वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये तो वो चीज है जो हमें मुफ्त में मिलती है, जो हमें फ्री में मिलती है, मगर इसकी कीमत तब पता चलता है जब ये कभी खो जाते हैं। इसकी कीमत तब पता चलती है जब ये कभी खो जाते हैं। इसलिए साथियों, मेरे भाइयों, बहनों और तमाम एग्जाम के कंपटीटर, आप ये ध्यान देंगे कि समय को जाया नहीं करें, समय की इम्पोर्टेंट करें और समय का सदुपयोग करके आप पूरे वीडियो को, पूरे समय को आप अच्छे ढंग से देखें और आज का सेशन का जितना सवाल है आप 100% आपका हो जाएगा और आपके अंदर होगा। तो चलते हैं साथी, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन मिशन ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू पहला क्वेश्चन आपका है, जो बायोलॉजी से संबंधित है, जो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उपयोगी होने वाली है। तो आप देखेंगे साथी, ये बायोलॉजी सेक्शन का, बायोलॉजी सेशन आइए, हाँ तो कहता है विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः है। तो विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? क्या रेफलेसिया एवं कमल, बुल्फिया एवं रेफलेसिया, लीली एवं फूल गोभी, लेवेंडर एवं ग्लेडियोलस। कहता है सबसे छोटा, यानी पहला आपका सबसे छोटा है, बाद में सबसे बड़ा है पुष्प, आपको बताना है ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। आप विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प कौन है, आपको बताना है। तो साथ ही इसका आंसर आप, इसका कहता है विश्व का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, जिसे वाटर मिल भी कहते हैं, जिसे वाटर मिल भी कहते हैं और डक वीक भी कहते हैं। विश्व का सबसे छोटा पुष्प जो है बुल्फेरिया, बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, और जिसको हम लोग और नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वाटर मिल भी कहते हैं और डक वीक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाटर मिल, इसी को वाटर मिल भी कहते हैं और डक वीड भी कहते हैं, इसी को डक वीड कहते हैं, इसी को डक वीड भी कहते हैं। अर्थात समझ लें, विश्व का सबसे छोटा, सबसे छोटा पुष्प कौन है, बुल्फिया, वाटर मिल या डकवीर, इन तीनों का एक ही नाम है, आप याद रखेंगे विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन है। अब सबसे, यह पुष्प जो है एक जलीय पौधा है, जैसे वाटर मिल है, यह पुष्प क्या है, जलीय पौधा है, जलीय पौधा है। ये पौधा कौन है, तो जलीय पौधा है। ये कौन सा पौधा है, तो जलीय पौधा है, जलीय पौधा है। ये सबसे छोटा पुष्प हो गया। उसके बाद अब कहता है सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प कौन है,
तो सबसे बड़ा रेफलेसिया, रेफलेसिया है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, कौन है? रेफलेसिया है, जिसका लगभग 10 किलोग्राम, इसका सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा आपका रेफलेसिया, रेफलेसिया है। इसका वजन 10 केजी है, इसका वजन 10 केजी और 100 सेंटीमीटर इसका क्या है? व्यास है। इस फूल का वजन कितना है? इस फूल का वजन 10 केजी है, इस फूल का वजन 10 केजी है और इसका व्यास कितना है? 100 सेंटीमीटर व्यास है। इसका व्यास कितना है? तो 100 सेंटीमीटर व्यास होता है। और यह पुष्प जो है सड़े हुए मांस की तरह, यह पुष्प जो है, ये कौन पुष्प? रेफलेसिया, रेफलेसिया पुष्प है, सड़े हुए मांस की तरह दुर्गंध आती है। इस पुष्प में सड़े हुए मांस की तरह दुर्गंध आती है। आदि इसका आंसर तब क्या हो गया? सबसे छोटा पुष्प क्या हो गया? बुल फिया, एवं सबसे बड़ा रेफलेसिया। बुलफिया क्या कहते हैं? वाटर मिल भी कहते हैं, डकवीक भी कहते हैं। यह क्या है? जलीय पौधा है, जलीय पौधा है। और सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफलेसिया है, जिसका वजन कितना है? 10 केजीग्राम है और इसका व्यास 100 सेंटीमीटर है, और इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर है। तो अब आइए अगला दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन कहता है, पादपों के तनों से संबंधित सत्कथन की पहचान कीजिए। पाद के तनों से संबंधित सत्कथन का पहचान कीजिए। पादप के तनों से संबंधित सत्कथन की क्या करना है? पहचान कीजिए। तो कहता है, तनों का विकास प्रांकुर से होता है, ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि के विपरीत दिशा में विकास करते हैं। तनों पर पर्ण तथा पर्व संधियों पाई जाती है। तो कहता है, ये तनों का विकास प्रांकुर से होता है, बिल्कुल सही है। ये समानता प्रकाश की ओर, रोशनी की ओर और भूमि की विपरीत दिशा में विकास करती है। यानी भूमि नीचे है तो पौधा कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। ये भी आपका क्या है? सही है। तनों पर पर्व तथा पर्व संधियों पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है, भूमिगत तनों का रूपांतरण नहीं है, भूमिगत तनों का रूपांतरण नहीं है। परकंद, अस्थव कंद, असल्क कंद और अस्थव पतान। कहता है, भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। तो कौन भूमिगत तने का रूपांतरण कौन नहीं है? अस्थव प्रतान। कौन है? अस्थंभ प्रतान, अस्थंभ प्रतान, भूमिगत तनों का रूपांतरण नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप, निम्नलिखित में पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। कौन? पर्ण कंटक, पर्ण प्रतान, खटपर्णी, पत्र प्रकलिका। कहता है, इसमें निम्नलिखित में पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है, रूपांतरित स्वरूप नहीं है। तो रूपांतरित स्वरूप नहीं है, पत्तियों को रूपांतरित स्वरूप नहीं है, तो रूपांतरित स्वरूप नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा? पर्ण कंटक रूपांतरित स्वरूप लीफ स्पाइन है, लीफ टेंडी पर्ण प्रतान है आपका, घट पर्णी भी है, पीचर भी है। तो पत्र पलिकाएं क्या है? पत्र प्रकलिका क्या है? पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर सवाल आपका है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा, ध्यान दीजिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा क्या है? यूकेलिप्टस, पीए रोकोवर्स, पोलिएंथ्रिया और टेक्टोना। विश्व का सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचा पौधा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन है? तो आप जानिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा तो यूकेलिप्टिस
पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा है। पुष्प वृक्षियों में क्या है, पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष है, या पुष्पीय वृक्षों में क्या है, पुष्पीय वृक्षों में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ऊंचा पूछता है तो सबसे ऊंचा कौन है, तो यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा कौन है, यूकेलिप्टस है। और यह क्या करता है, यह जो अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, यह पौधा है अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिस जगह यह पौधा रहती है, जिस जगह यह वृक्ष रहती है वहां पर मरुस्थल बना देती है, वहां पर क्या करती है, उस भूमि को बंजर बना देती है। और उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष पूछेगा, ये क्या पुष्पीय वृक्ष हो गया, तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष पूछेगा तो क्या है, सिकोया है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सिकोया होगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पौधा पूछेगा तो पौधा जो है पुष्पीय वृक्षों कहिए, या इसको क्या कहिए, पौधा कहिए, पुष्पीय वृक्षों कहिए या पौधा कहिए, पुष्प वाला क्या होगा, वृक्ष कहिए या क्या कहिए, पौधा, पुष्प वाला क्या हो जाएगा, पुष्प वाला पौधा हो जाएगा। यहाँ पौधा पूछता है तो पौधा क्या होगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा आंसर, यूकेलिप्टस हो जाएगा। और सबसे बड़ा वृक्ष पूछेगा तो सिकोया हो जाएगा, सबसे बड़ा वृक्ष पूछेगा तो सिकोया हो जाएगा। आप यहाँ पर दो आंसर समझेंगे, इसका दो आंसर समझेंगे। अब इसमें छह नंबर का था, अदरक एक तना है जड़ नहीं क्योंकि, अदरक एक तना है जड़ नहीं है क्योंकि कहता यह भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है, यह क्षैतिज रूप में भूमि विकसित होता है, यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है, यह क्लोरोफिल विहीन होता है। कहता है अदरक एक तना है जबकि जड़ नहीं क्यों नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, सी, यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है, यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। अब आगे नंबर सात नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है इसमें वह सूक्ष्म पुष्प कली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है क्या है, पुष्पकली है इलायची, केसर, दालचीनी, लौंग, वह क्या है, एक पुष्पकली है जिसका जो है प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, वह कौन है आपका लौंग होगा। यह भारत पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, यह भारत पाकिस्तान श्रीलंका इंडोनेशिया में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, मसाले के रूप में किया जाता है, वह क्या आंसर होगा, लौंग। इसका आंसर क्या होगा, पुष्पकली कौन होता है, लौंग है, पुष्पकली कौन है, लौंग है। आठ नंबर कहता है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तना, स्टर्म, पत्ता, लीफ, पर्णवृत्त, पेटोरल, अनुपर्ण, स्टीपल। तो कहता है इसके अंतर्गत है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक, एक घट के रूप में रूपांतरित होता है,
एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, लीफ। आंसर क्या होगा, पत्ता। इसका आंसर क्या होगा, लीफ। इसका आंसर क्या होगा, लीफ पत्ता। 9 नंबर सवाल आपका, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है। मान लीजिए ये पुष्प का, पुष्प है उसका एक भाग नहीं है, दलपुंज, पुमांग, पर्णवृत्त, जयांग। इस सब में चार ऑप्शन दिया है, ये चार ऑप्शन में एक पुष्प का भाग नहीं है वह कौन है, वह पुष्प भाग नहीं है वह कौन है आपको ये बताना है। तो पुष्प भाग क्या है, पर्णवृत्त क्या है, पुष्प भाग नहीं है। पर्णवृत्त क्या है, पुष्प का भाग यानी फूल का भाग नहीं है, पर्णवृत्त फूल का भाग नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। 10 नंबर कहता है पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है, पादपों का एक वर्ग नहीं है, मरुद्विद, जलोद्विद, लवणोद्विद और लवणोद्विद और अधिपादप। मरुद्विद, जलोद्विद, लवणोद्विद, अधिपादप। कहता है पारिस्थिति की वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है, पादमों का एक वर्ग नहीं है, कौन सा पादमों का एक वर्ग नहीं है। कहते हैं जलोद्भिद है, यह वैसे देखिए पारिस्थितिक वर्गीकरण के अनुसार पादपों का चार प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, चार प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला है जलोद्भिद, जलोद्भिद है, तब है मरुद्भिद है, मध्योद्भिद है और लवणोद्भिद है। जलोद्भिद, जलोद ये मरुद्भिद भी है, जलोद्भिद भी है, लवणो क्या है आपको, क्या क्या है इसमें, जलोद्भिद आपका है और मरुद्भिद है और लवणोद्भिद है और मध्योद्भिद है और एक चौथा मध्योद्भिद, मध्योद्भिद भी है और अधिपादप, अधिपादप नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा डी, अधिपादप नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, अधिपादप। अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर पुष्प तथा मादा, यहां क्या होगा, मादा नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला, उभयलिंगी, स्वपरिगत, द्विबीजपत्र, उभयलिंगा, उभयलिंगाश्रयी। क्वेश्चन समझिए, कहता है नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देना पादप क्या कहलाता है। नर पुष्प को भी जन्म देता है और मादा पुष्प को भी जन्म देता है, दोनों पुष्प को जन्म देना पादप क्या कहलाता है। तो पादप क्या कहलाता है उसमें, तो पादप क्या कहलाता है, तो आप लगता होगा उभयलिंगी, उभयलिंगी नहीं होगा, स्वपरिगत नहीं होगा, द्विबीजपत्री नहीं होगा, क्या होगा, उभयलिंगाश्रयी। आंसर होगा उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी आंसर होगा। अब उभयलिंगी कैसे कहते हैं और आगे सवाल में आपको मिल जाएगा उभयलिंगी क्या होगा। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर, देखिए स्त्री केसर और पुंकेसर, अब पुंकेसर क्या होता है, नर होता है और स्त्री केसर क्या होता है, मादा होता है। तो नर में पुंकेसर और स्त्री केसर मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। अब देखिए जो पुंकेसर और क्या स्त्री केसर, स्त्री केसर दोनों एक ही में पाए जाता है, दोनों एक ही में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं पुंकेसर, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उभयलिंगी, एक बीजपत्री, एक लिंगी, एक लिंग ग्रासई, तो इसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। इसमें क्या है, ऐसे पादप जिनके पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। इससे पहले सवाल था, मैं आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले सवाल आपको 11 नंबर था वो देख लीजिए, फिर इस द्वारा आते हैं। कहता नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप,
अब देखिए एक ही पादप है जो नर पुष्प को जन्म देता है, मादा पुष्प को जन्म देता है, दोनों को जन्म देने वाला एक ही जो पादप है वह क्या कहलाता है? उभयलिंगाशयी कहलाता है, उभयलिंगाशयी कहलाता है। अब इसमें 12 नंबर में क्वेश्चन आपका है, ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। अब आइए 13 नंबर सवाल आपका है, 13 नंबर में कहता है, निर्वाण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है? किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया गया? मीठे एवं खट्टे फल, सरस एवं सूक्ष्म फल, सत एवं असत फल, फल एवं मेवा। तो कहता है कि निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर फलों को किस भागों में, किस में बांटा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया, कौन कौन है? तो उसमें क्या है? सत एवं असत फल, सत एवं असत फल। तो अब क्वेश्चन आपका होगा, सत फल किसे कहते हैं और असत फल किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, कहते फलों के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। आप यहां देखें, फलों के निर्माण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। तो बांटा गया है, तो पहला है आपका सत फल, ऑप्शन नंबर सी में सत फल एवं असत फल। तो सत फल जो है जिन फलों का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय में होता है। अब लिखने के लिए कहिएगा, देखिए जिन फलों का निर्माण या जिस फलों का निर्माण, जिस फलों का निर्माण, जिस फलों का निर्माण, निर्माण जिस फलों का निर्माण पुष्प के, पुष्प के, पुष्प के अंडाशय, पुष्प के अंडाशय, पुष्प के अंडाशय यानी ओवरी, ओवरी, ओवरी में पुष्प के निर्माण अर्थात अंडाशय ओवरी में, ओवरी में होता है, ओवरी में होता है, ओवरी में होता है, वह क्या कहलाता है? उसे सत फल कहते हैं, उसे सत फल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सत फल कहते हैं, जो उसे क्या बोलते हैं? सत फल कहते हैं। जैसे क्या हो, सत फल में आम हो गया, नींबू हो गया, नारियल इटीसी हो गया, आम नींबू नारियल। अब असत फल किसे का ध्यान दीजिए, अब कहता है क्या, जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंगों, पुष्पासन, पहदल पुंज, दल पुंज आदि द्वारा होता है, पुष्प के अंगों में बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, दल पुंज द्वारा होता है, उसको असत फल कहते हैं, उसको असत फल कहते हैं। असत फल में आते हैं सेब, अंजीर, सेब और अंजीर, सेब अंजीर इटीसी आता है, तो सेब अंजीर इटीसी आता है। अब इसमें कहता है सरल फल का उदाहरण है, सरल फल का आम नींबू, सहतूत कटहल, शरीफा स्ट्रॉबेरी, अंजीर रसवरी। अब इससे पहले देखिए सत असत फल, अब कहता है सरल फल, अब इसमें कहता है सरल फल किसे कहते हैं? तो अब देखिए फलों को, वो क्या था, निर्माण के आधार पर फल को दो भागों में बांटा गया, निर्माण के आधार पर फलों को दो भागों में बांटा गया है, एक सत और एक असत फल। अब इसमें कहता है सरल फल किसे कहते हैं? तो इसमें है फलों को मुक्त तीन वर्गों में, फलों को मुक्त तीन वर्गों में बांटा गया है, एक सरल फल है, एक पुंज फल है, एक समग्र फल है, एक सरल फल, एक पुंज फल और एक समग्र फल। कौन कौन? सरल, पुंज और सरम, समग्र, सरल, सरल, एक में है सरल, सरल, दूसरा में पुंज, दूसरा में पुंज और तीसरा में क्या है? समग्र, तीसरा में है समग्र। तीन वर्गों में बांटा गया, तीन वर्गों में बांटा गया। अब देखिए सरल फल किसको कहते हैं? जब पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है, पुष्प के अंडाशय से केवल एक फल का निर्माण होता है, पुष्प के अंडाशय से केवल एक फल का निर्माण होता है, उसको सरल फल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सरल फल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया, तो आम नींबू क्या हो गया यहाँ पर? सरल फल हो गया,
आम नींबू क्या हो गया, सरल फल हो गया। अब है पुंज फल, जब फलों का विकास एक पुष्प के अनेक विलगित स्त्री केसर, जब फलों का विकास एक पुष्प के अनेक विलगित स्त्री केसर से होता है, स्त्री केसर से होता है, उसको बोलते पुंज फल। जैसे आपका इसमें है शरीफा रस भरी कमल, शरीफा रस भरी, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका हो गया, ये हो गया पुंज फल। स्ट्रॉबेरी भी आता है, स्ट्रॉबेरी सब क्या हो गया, ये सब हो गया स्ट्रॉबेरी, शरीफा क्या हो गया, पुंज फल। ये सब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी में हो गया पुंज फल, ये सब क्या हो गया, पुंज फल हो गया। अब आपका है एक, अब आपका तीन नंबर में समग्र फल, कहता है ये असत फल है। समग्र फल क्या है, असत फल है, इनका संपूर्ण निर्माण पुष्प कर्म के द्वारा होता है, पुष्प कर्म के द्वारा है, जैसे सहतूत वगैरह है, ये सहतूत वगैरह है, ये क्या हो गया असत फल, ये क्या हो गया असत फल, या जिसको क्या कहते हैं समग्र फल, जिसको क्या कहेंगे समग्र फल। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सरल फल कौन है, आम और नींबू, आम और नींबू ऑप्शन में जो है वह सरल फल है। अब वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता, आयु का निर्धारण इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई के द्वारा, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, जड़ों की लंबाई के द्वारा, इसका कहता है पुरुष के वृक्ष की आयु का निर्धारण, वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसकी वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, कैसे किया जाता है, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। 16 नंबर सवाल आपका है, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत कथन बताइए, असत कथन कौन है, कहता है पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। आपको चुनना है इसमें असत फल, सॉरी असत फल कहते हैं, असत कथन चुनना आपको है, असत कथन चुनना है, असत कथन चुनना है। कहता है इसमें पादप हार्मोन्स की वृद्धि की नियंत्रित करते हैं, ये आपका सत्य है। पादप हार्मोन्स के पांच वर्ग होते हैं, ये भी सत्य है। ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक होते हैं, ये भी आपका सही है। कहता है इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन्स होते हैं, यही आपका क्या है, असत है। तो ये जो असत ही पूछता है, असत ही आपका आंसर है, या असत ही आपका आंसर है, अर्थात डी नंबर आपका आंसर होगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। 17 कहते हैं बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, गन्ना, सनई, सफेद मूली, रतन जोत। तो कहता है बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो किसको किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेट्रोफा या रतन जोत। जेट्रोफा, इसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, इस बायोडीजल का उपयोग डीजल के परंपरागत विकल्प रूप में किया जाता है। तो क्या है, जेट्रोफा, रतन जोत या जेट्रोफा, रतन जोत या जेट्रोफा, आंसर क्या होगा, डी रतन जोत का आंसर, और दूसरा नाम क्या है, जेट्रोफा, आंसर है जेट्रोफा या रतन जोत, याद रखिएगा। बायोडीजल, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितना है, वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितना है, 206। वयस्क मनुष्य के अस्थियों की संख्या कितना है, 206, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 206 कितना है, 206। तो अगला क्वेश्चन आइए, आगे क्वेश्चन आपका आज का 19वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कर्मश है, एस्टेपीज और फीमर, अल्ना व रेडियस अल्ना, मेरुरज्जु एस्टेपीज, मेरुरज्जु एस्टेपीज,
तो कहता है मानव शरीर के सबसे छोटी और सबसे बड़ी, मानव शरीर के सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि कौन, अस्थि मतलब हड्डियां, अस्थि मतलब हड्डियां, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती, कहां पाई जाती है कानों में, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कहां है स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी क्या है फीमर जो जांघों में पाई जाती है। ये सबसे छोटी क्या है स्टेपीज जो कहां पाया जाता है कान में, कहां पाया जाता है कान में, और सबसे बड़ी क्या है फीमर कहां पाया जाता है जांघ में, कहां पाया जाता है जांघ में, तो स्टेपीज कान में और फीमर जांघ में पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है मानव कंकाल के संबंध में असत कथन बताइए। अब ध्यान दीजिए मानव कंकाल के संबंध में असत कथन बताइए। असत कथन क्या है वो ध्यान से समझिए। कहता है इसमें यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है, यह बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में विभाजित होता है, ये आपका क्या है बिल्कुल सही है। अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल एवं उपांगी कंकाल में विभाजित होता है, ये भी आपका सही है। अक्षीय कंकाल को खोपड़ी मेरुदंड पसलियों तथा उपरो स्थिति अस्थि में विभाजित किया जाता है, ये भी सही है। उपांगी कंकाल में नाखून वाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं, यही आपका गलत है, यही आपका असत है, लेकिन आंसर आपका यही होगा, क्योंकि आंसर आपका चुनना कौन वाला असत आंसर चुनना है, तो असत आंसर क्या होगा डी नंबर, असत आंसर आपका क्या होगा डी नंबर। अब 21 नंबर सवाल आपका है, 21 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान कीजिए, असत कथन की पहचान कीजिए, असत इसमें आपका चार ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन सत्य है और एक ऑप्शन क्या है असत है, तो असत कथन की पहचान कीजिए। असत कथन कहता है स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अब देखिए स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, पहले असत मिल गया आपका, पहले असत मिल गया, अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नाखून बाल एवं बाह्य चर्म अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बनते हैं, ये नाखून बाल ये सब क्या हुआ अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बनते हैं, सही है। और स्नायु दो अस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है, स्नायु क्या कहता है देखिए स्नायु अस्थियों उपास्थियों अस्थियों को जोड़ता है, इसमें क्या कहता स्नायु मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, देखिए इसका जस्ट विपरीत है, स्नायु क्या करता है दो अस्थियों या उपास्थियों को जोड़ता है, इसमें करता है स्नायु मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, ये आपका सही है, ये आपका क्या है गलत है, लेकिन आंसर क्या होगा इसमें गलत ही चुनना है, गलत को चुनना है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, कौन ऑक्सीजन कार्बन कैल्शियम नाइट्रोजन, मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो आपका है मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो मानव शरीर में जानते ही है सबसे अधिक आपको पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 18% होता है। ध्यान दीजिए जब भी हमारे शरीर में देखा जाता है तो जब नापा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है तो शरीर में टोटल शरीर मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% होता है कम से कम, और कार्बन 18% है, और कैल्शियम जो आप यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम 1.5% होता है, और नाइट्रोजन है नाइट्रोजन 3.2% होता है, कैल्शियम कितना होता है 1.5% होता है, और नाइट्रोजन लगभग 3.2% होता है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है तो ऑक्सीजन, मानव शरीर में क्या पाया जाता है ऑक्सीजन।
अब दूसरी बात समझिए, मानव शरीर में मुख्य छह तत्वों की सर्वाधिक होती है, मुख्य छह तत्व ज्यादा होता है, जिसमें आप चार तत्व आप देख लिए, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम और नाइट्रोजन, और कोई एक तत्व है फास्फोरस और हाइड्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन, एक तत्व और है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी है जो मानव शरीर में 10% पाया जाता है, और क्या है फास्फोरस, फास्फोरस जो है मानव शरीर में फास्फोरस भी पाया जाती है, जो छह तत्वों की बहुलता होती है, और फास्फोरस आपको पाया जाता है 1.2%, 1.2% मानव शरीर में मुख्यतः छह तत्व पाए जाती है, कौन कौन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, और सबसे ज्यादा मात्रा किसका होती है, किसका होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। अब 23 नंबर सवाल में आइए, 23 नंबर सवाल कहता है सूची मिलाइए, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, सूची दो में क्या है मानव खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, उरो अस्थि, कहता अस्थि, अस्थियां, कहते एक अस्थि, 24 अस्थि, 29 अस्थियां, 33 अस्थियां, तो कहता है इसमें सूची को मिलाइए, तो सूची को मिलाइए, सूची की मिलाइए, तो एक का में क्या होगा, एक में मानव खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है, तो मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है, तो 29 हो गया। अब मेरुदंड, तो एक का तीन कहाँ है, तो एक का तीन आपको सी, बस एक नंबर ऑप्शन सी हो गया, तो एक का तीन हो गया, उसके मेरुदंड में कितने अस्थियां होती है, तो 33 होती है, 33 होती है, 33 होती है, उसके पसलियां, पसलियां में कितना होता है 24 अस्थि होती है, उरो अस्थि में कितना होता है एक अस्थि होती है, तो अर्थात क्या हो गया एक का सी नंबर, इसका आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी, आप ध्यान से देख लीजिए। 24 नंबर सवाल आपका, 24 नंबर सवाल है अस्थि संधियों के विषय में असत कथन की पहचान कीजिए, फिर इसमें चार कथन क्या है, है तीन कथन सत है और एक कथन असत है, तो असत कथन की ही पहचान कीजिए, असत कथन की ही पहचान कीजिए, तो असत कथन के बारे में बताइए कौन सी कथन क्या है असत है, कौन सी कथन असत है, तो आप यहां पर देखेंगे तो कहता है अस्थि संधियां अस्थियों के जुड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती है। अब देखिए अस्थि संधियां जो है जहां पर अस्थि जोड़ता है उसी को कहते हैं, बिल्कुल सही, संधि मतलब जोड़ना भी होता है। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, पूर्ण, अपूर्ण और अचल संधि, बिल्कुल तीन प्रकार की होती है, जैसे घुटनों की संधि जो जुड़ती है उसको पूर्ण संधि कहते हैं, तीन प्रकार की, सही है। मनुष्य के घुटनों की अस्थियां की संधि अपूर्ण संधि उदाहरण है, अभी देखिए हम बताएं मनुष्य के घुटनों की अस्थि जो संधि है वो क्या है पूर्ण संधि उदाहरण है, और इसमें कहता अपूर्ण संधि, यही क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब मनुष्यों की गर्दन, नेक की धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, गलत कौन हो गया सी, तो इसके लिए असत चुनना है, तो असत आपका हो गया सी, असत आपका सी। कहता है अब आइए प्रश्न, फॉल्स रीफ्स तथा फ्लोटिंग फ्लोटिंग रीफ्स किस अंग में पाई जाती है, फॉल्स रीफ्स और फ्लोटिंग रीफ्स किस अंग में पाई जाती है, बक्षीय पिंजर, मेरुदंड, सिर, श्रोणी मेखला, श्रोणी, फॉल्स रीफ्स तथा फ्लोटिंग रीफ्स किस अंग में पाई जाती है, तो किस अंग में पाई जाती है, तो किस अंग में पाई जाती है बताना आपको है, तो क्या आंसर होगा बक्षीय पिंजर, बक्षीय पिंजर में पाई जाती है। अब आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं, 26 नंबर सवाल है अभी भी सूची एक है और सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे के कूटों को उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए।
अब देखिए सूची एक में है और सूची दो है, उर्वस्थिति जत्रुक जानु फलक स्कंद फलक, इसमें क्या है क्लेविकल पैटेला स्कैपुला एस्टर्नम, तो किसको क्या कहते हैं किस सूची में डिपेंड करता है उसको आपको चुनना है, उसको आपको चुनना है। तो आंसर आप देखिए, आंसर देखना आपको है, तो इसमें कहता है उरो स्थिति किसको कहते हैं, तो एस्टर्म को, किसका कहते हैं एस्टर्म को। अब उसके बाद आपको है कहता है जत्रुक, जत्रुक किसे कहलाता है, कौन बन को क्लेविकल को, क्ले विकल को, क्ले विकल को कहलाता है। जानु फलक किसे कहते हैं, जानु फलक पैटेला को, पैटेला को। स्कंद फलक, स्कंद फलक जो बच गया आपका 4 का 3, तो देखिए 1 का 4, 1 का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद है 2 का 1, 2 का 1 इसमें है और इसमें, दोनों में 2 का 1 है। और उसके बाद क्या कहता है, तब 3 का 3 का 3 का, अब 3 का 2, 3 का 2 आपके इसमें है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं, तो डी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डी आंसर हो जाएगा आपका। अब आइए 27 नंबर सवाल आपको देखेंगे, 27 नंबर सवाल है, कहते हैं मानव कंकाल में, कंकाल से संबंधित रोग एवं उसके लक्षणों का सुमेल नहीं है, रोग भी है और लक्षणों का सुमेल नहीं है, गठिया रोग में क्या होता है, सूखा रोग में क्या, रिकेट्स में क्या होता है, ऑस्टियोपोरियस में क्या होता है, टिटेनी में क्या होता है, सुमेलित नहीं है, सामने की बात है, ये सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। अब इसमें कहता है गठिया रोग, जोरों में सूजन आ जाता है, गठिया में जोरों में सूजन आता है, ये आपका सही है। सूखा रोग, रिकेट्स में कैल्शियम व फास्फोरस की कमी, बच्चों में कमजोरी आ जाता है, ये भी सही है। ऑस्टियोपोरियस क्या है, अस्थियों का कमजोर होकर भंगुर फ्रेजिल हो जाता है, ये भी सही है। और टिटेनी, टिटेनी में उपास्थि के फटने कारण चलने में दर्द होता है, जब 3 सही हो गया तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो जाएगा, ये आपका गलत क्यों हो जाएगा, जबकि टिटेनी रोग में शारीरिक तरल कोशिकाओं के बाहर स्थित तल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता हो जाती है। इसमें क्या होता है, टिटेनी में कैल्शियम कैल कैल्शियम कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाता है, और किसकी कमी होता है, मैग्नीशियम की कमी हो जाता है, और पोटेशियम की अधिकता हो जाता है, और किसकी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी हो जाता है, कमी हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी होता है, और पोटेशियम का अधिकता हो जाता है, पोटेशियम, पोटेशियम की अधिकता हो जाता है, पोटेशियम की क्या हो जाता है, पोटेशियम अधिक हो जाता है, इसमें टिटेनिक में, टिटेनी में क्या हो जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और पोटेशियम की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब आइए आपका 28 नंबर सवाल, आपका 28 नंबर सवाल है, कहते हैं मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, 16, 32, 4 और 20, आंसर क्या होगा, 20 दांत, 20 दांत मनुष्य में क्या होता है, 2 बार निकलते हैं। आप जानते हैं मनुष्य के मुंह में 2 जबड़े होते हैं, एक नीचे 16 और दूसरे में क्या होता है, 16 दांत। कितने प्रकार होते हैं, दांत 4 प्रकार होते हैं, कृदंत, कृदंत, रदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। दांत कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, कौन कौन, कौन कौन होते हैं, कृंतक कहते हैं, कृदंत कहते हैं, कृंतक, कृदंत, कृंतक का ये दूसरा आपका, पहला क्या होगा कृंतक, दूसरा आपका रदनक,
रदनक, रदनक, रदनक। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका हो गया, तीसरा हो जाएगा अग्र चवर्णक, अग्र अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। और चौथा हो जाएगा चवर्णक, चवर्णक। चौथा क्या हो जाता है, चवर्णक हो जाता है, चौथा क्या होता है, चवर्णक हो जाता है। और चौथे दांत चवर्णक को बुद्धि दांत भी कहते हैं, इसी चवर्णक दांत को क्या बोलते हैं, बुद्धि दांत भी कहते हैं, इसी को बुद्धि दांत भी कहा जाता है, इसी को बुद्धि दांत भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 दांत जो है, 20 दांत जो है दोबारा आता है, दोबारा आता है। और 20 और 16 टोटल दांत कितना होता है, 32। तो 12 दांत दोबारा नहीं आती है, एक ही बार आती है। तो 4 प्रकार के दांत होती है। अब 29 नंबर सवाल है, श्वसन, श्वसन, श्वसन श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, उपापचय क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, जल अपघटन क्रिया, अमोनीकरण क्रिया। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया। श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया। निम्नलिखित में अनाक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है, क्या कहता है, निम्नलिखित अनाक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन श्वसन का, निम्नलिखित में कहता है अनाक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है, अंतर नहीं है अर्थात दोनों एक ही तरह होती है। तो दोनों एक ही तरह होती है, कौन है, अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अंतर नहीं है सो बताना है, ये अंतर है। अनाक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में उत्संपन्न होता है। ये भी सही है, अंतर अंतर है इसमें। अनाक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन यीस्ट एवं परजीवियों में होता है। यही आपका क्या है, अंतर है। कहते अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 अणु से 4 ATP अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ये भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा आपका, इसका सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल आपका है, 30 नंबर कहता है, नवजात शिशु में श्वसन की दर कितनी होती है, नवजात शिशु में श्वसन की दर कितनी होती है। तो नवजात शिशु में श्वसन की दर कितनी होती है, तो नवजात शिशु में श्वसन की दर 30 से 12 बार प्रति मिनट होता है। और व्यस्क में क्या होता है, व्यस्क शरीर में, और व्यस्क में कितना है, 12 से 16। व्यस्क में कितना है, 12 से 16। व्यस्क में एडल्ट, एडल्ट में आपका हो गया, एडल्ट व्यस्क में हो गया 12 से 16, और उसके नवजात में 30 से 60 बार प्रति मिनट होता है। 32 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी, एएमपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतर मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है कौन होगा, एटीपी से, एटीपी से एडीपी, एटीपी, एटीपी से कहाँ, एडीपी, एटीपी से एडीपी। ऑप्शन नंबर बी, और आपका बी आंसर हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब आपका 32-33 नंबर सवाल है, श्वास, श्वास ब्रीथिंग की क्रिया में किस
घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, जल वाष्प की, किसकी रहती है? तो किसकी रहती इसमें, किसकी रहती इसके मात्रा में? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित कौन रहती है, तो नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहती है। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहती है। 34 नंबर सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? शरीर की पाचन क्रिया को, यकृत की क्षमता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन को? किसकोन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करती है? तो किसको प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देती है। रक्त की क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देती है। परिणाम तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है, मनुष्य की सांस फूलने लगती है। यह क्या करती है, रक्त की ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता को क्या करती है, कम कर देती है। ये क्षमता को कम, परिवहन की क्षमता को कम करती है, क्षमता को क्या करती है, क्षमता को कम कर देती है, कम करती है, जिससे सांसें फूलने लगती है, जिससे क्या होता है, सांसें फूलने लगती है, जिससे सांप से फूलने लगती है, रक्त की परिवहन क्षमता को भी क्या करती है, कम कर देती है। आप 35 नंबर सवाल आपका है, कतः रक्त एवं ऊतक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है, विनिमय कहलाता है, गैसीय शोषण, अंतः शोषण, अनोक्षी शोषण और ऑक्सी शोषण। कहता है रक्त एवं ऊतक के मध्य, रक्त एवं ऊतक के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है गैसीय विनिमय? तो गैसीय विनिमय कहलाता है क्या चीज, अंतः शोषण। क्या कहलाता है, अंतः शोषण। क्या कहलाता है आपका, अंतः शोषण कहलाता है, या अंतः शोषण कहलाता है, अंतः शोषण कहलाता है। आज के सवाल का, आज के क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत श्वसन, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है कौन सी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, निःश्वसन और इलेक्ट्रॉन्स परिवहन। तो कौन आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी निःश्वसन। आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी निःश्वसन। 37 नंबर कहता है, निःश्वसन तथा उच्छ्वसन श्वसन का परिपश्लियों की भूमिका के संबंध में असत कथन बताइए। असत कथन बताना है, निःश्वसन के समय पसलियों ऊपर एवं बाहर की ओर खींच जाता है, पसलियों स्थिर रहती है। उच्च श्वसन के समय पसलियों नीचे अंदर की ओर आ जाती है, पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है। तो ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में कहता है कि ऐसा चीज बताइए जो तीन चीज सत्य है और एक चीज सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा क्या होगा कि पसलियों स्थिर रहती है, इसमें पसलियां स्थिर रहती है, यही आंसर क्या हो जाएगा, गलत है, जो पसलियां स्थित नहीं रहती है। आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था बायोलॉजी क्वेश्चन का। अब बहुत अच्छा सेशन है, यदि अच्छा आप लोग साथी लगे तो अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा, और वीडियो आप अच्छे लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हम आशा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे, और मिशन ऑनलाइन एकेडमी टीम ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप लोगों का जो दिल में इच्छा है, जो भावना है, ईश्वर पूरा करेंगे। थैंक यू, बेस्ट।